डिजास्टर रिपोर्ट की करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में पीडीए के टूटने की आहट सुनाई दे रही है? क्या आप चुनाव की वोटिंग से पहले पूरा समाजवादी कुनबा घबराया हुआ है? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे नए पोस्टर से कई राज बेपर्दा हो रहे हैं। साथ ही बटेंगे तो कटेंगे के नारों पर अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव की बौखलाहट भी बहुत कुछ इशारा करती है। क्या है पूरी खबर आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। बटेंगे तो कटेंगे, आप देख रहे हैं ना, तो देखो पीडीए थोड़ी दूर ना तो बचेगा ना कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में न बटेंगे न कटेंगे। 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, ये नया पोस्टर लगा है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। पोस्टर पर अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर है, ऊपर चार चार अलग अलग चेहरों का स्केच है और नीचे लिखा है हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ऐसे में सवाल है कि कल तक पीडीए के सहारे यूपी उपचुनाव में जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अब न बटेंगे न कटेंगे को क्यों कहने लगे? क्या अखिलेश को पीडीए में बटने का डर सताने लगा है? क्या अब अखिलेश के पास कोई नया फार्मूला नहीं बचा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि पीडीए में ना तो बटेंगे ना कटेंगे, और जो ऐसी बात करेंगे वो बाद में पीटेंगे। जाहिर सी बात है ये थॉट जो है समाजवादी पार्टी की है और वो अब दिखाई भी देने लगी है। यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है अखिलेश यादव का जो आवास उसके सामने जो है एक पोस्टर लगा है, उस पर भी लिखा गया है न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जो ऐसी बात करेंगे वो बाद में पीटेंगे। दरअसल जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, वो अब पूरे देश में एक तरह से बीजेपी का स्लोगन बन चुका है और पूरी सियासत अब इसी के आर पार घूम रही है। उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति करने वाली यानी जाति विशेष की सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर ये नारा सफल हुआ, अगर ये नारा हिट हो गया तो फिर जातीय राजनीति करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। जाहिर है जिस दलित ओबीसी वोटर के दम पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 37 सीटें जीतकर यूपी की नंबर वन पार्टी का तमगा हासिल किया, वही वोट बैंक अब की बार खिसकने का डर तो अखिलेश को नहीं सता रहा। दावा है कि लोकसभा चुनाव में दलित वोट कांग्रेस की बदौलत इंडी गठबंधन को मिला था, लेकिन कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि मायावती की बीएसपी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है। ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के जहन में ये डर भी सता रहा होगा कि दलित वोटरों ने अगर दगा दे दिया तो स्थिति विकट हो सकती है। न बटेंगे न कटेंगे वाले ये पोस्टर शायद इसी नई रणनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है, और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे समझ लो उसकी हार निश्चित है। जो हाल आज प्रदेश में है, जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बुलडोजर दिखाते तो हैं लेकिन ये लोगों पे अन्याय कर रहे हैं, जहां कस्टोडियल डेथ्स के मामले हैं, जहां हमारा किसान आज इतना परेशान है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हो, तो कहीं ना कहीं पूरी जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो चरमरा गई है। और मुझे पूरा भरोसा है और पूरा यह विश्वास है कि ये उपचुनाव के नतीजे भी जिस तरह लोकसभा के चुनाव के नतीजे रहे हैं उसी तरह रहेंगे। समाजवादी पार्टी के सामने संकट इसीलिए भी बड़ा है कि अखिलेश यादव ने अब की बार परिवारवाद को 6 टिकट दिए हैं। करहल सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव रिश्ते में अखिलेश यादव के भतीजे हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से शोभा वर्मा को समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। मिर्जापुर की मंझवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को अखिलेश ने टिकट दिया है। कानपुर की सीसा मऊ से पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में है।
मीरापुर में समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को प्रत्याशी घोषित किया है। सुम्बुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्र वधू है। इसके अलावा जिस मिल्कीपुर में फिलहाल चुनाव नहीं हो रहा है, वहां भी अखिलेश ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर भरोसा जताया है। अखिलेश यादव ने परिवारवाद पर भरोसा तो जता दिया, लेकिन अब वोट खिसकने का डर ऐसा कि पीडीए वोटर को ना बटने की सलाह दे रहे हैं। आज अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए जो पहले परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, अब परिवार डोमिनेंस अथॉरिटी हो चुकी है। अखिलेश यादव जी खुद चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी पर सिर्फ उनका कब्जा बना रहे, बाकी परिवार के लोगों को भी वो महत्व नहीं देते हैं, इसलिए धीरे धीरे उनके परिवार के लोग ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से समाजवादी पार्टी किस कदर बौखलाई हुई है, वो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के इस बयान से भी समझ सकते हैं। थोड़ी दूर बटेगा न कटेगा, सुना आपने शिवपाल यादव को, महसूस किया शिवपाल की धमकी में उनकी बौखलाहट को। वो शिवपाल यादव जो अखिलेश राज में सीएम के बराबर रुतबा रखते थे, उन शिवपाल यादव की इच्छा है उन्हें पीटने की जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। एक बार फिर सुनिए अखिलेश यादव के धमकी बाद चाचा को। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो कटोगे, ये बयान आज कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? तो देखो पीडीए न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पीटेंगे। तो सवाल है, अखिलेश के चाचा शिवपाल पीटने की बात उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो बटेंगे तो कटेंगे नारे के समर्थन में हैं, या शिवपाल यादव पीटने की बात संघ के नेताओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंचों से ये नारा दिया और फिर बाद में संघ ने भी इस नारे का समर्थन कर दिया।